अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवर टुडेज टॉपिक इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग होती क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, कि बेसिकली वाई फाइल था। हमें मालूम होना चाहिए कि हम वाई वी यूज आ फाइल एंड व्हाट आर फाइल्स। देखो बेटा, व्हेन एवर वी रन अ प्रोग्राम, बेसिकली दिस प्रोग्राम स्टोर्स आवर डेटा इन वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल्स आर बेसिकली मेमोरी लोकेशंस, मीन्स दीज आर लोकेशंस इन आवर रैम और इन आवर मेमोरी, है ना बेटा। तो ये हमारे पास, सपोज किया वी वॉन्ट टू इनपुट नेम एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड कैलकुलेट ग्रेड, सो वी विल डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम, अ वेरिएबल मार्क्स एंड अ वेरिएबल ग्रेड। हाँ, बेसिकली दीज विल बी लोकेशन इन साइड द मेमोरी वेयर वी इनपुट एंड स्टोर डेटा। सपोज आई एम राइटिंग नेम ए बी सी, मार्क्स 75 एंड रिजल्ट पास। तो ये ए बी सी, 75 और मार्क्स कहाँ पे स्टोर है बेटा? सो मेमोरी के अंदर मेमोरी के अंदर। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था कि डिक्लेयर, मैंने कहा डिक्लेयर नेम स्ट्रिंग, डिक्लेयर मार्क्स रियल, डिक्लेयर ग्रेड स्ट्रिंग, ठीक है। फिर मैंने किया इनपुट नेम मार्क्स, और फिर मैंने कहा केस ऑफ मार्क्स, ठीक है। मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, देन ग्रेड विल बी डिस्टिंक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन ग्रेड विल बी मेरिट, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, देन ग्रेड विल बी पास, अदरवाइज ग्रेड विल बी फेल एंड केस, ठीक है बेटा। ये हमने प्रोग्राम बनाया, इस जब हमने ये प्रोग्राम बनाया, इसमें नेम मार्क्स और ग्रेड लिए, तो यहाँ पे वेरिएबल बन गए रैम के अंदर, नेम मार्क्स और ग्रेड। जब इनपुट लिया तो ये डेटा स्टोर हो गया, नेम यहाँ पे स्टोर हो गया और मार्क्स यहाँ पे स्टोर हो गए। अब हमने क्या किया, केस ऑफ चलाया, तो ग्रेड जो है ये जाकर यहाँ पे स्टोर हो गया। इसका मतलब यह है कि हमने अभी जो भी डेटा लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज इनसाइड अवर रैम मेमोरी, और मेमोरी को हम जानते हैं कि मेमोरी इज बेसिकली वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये हुआ कि इट रिटेन डेटा ओनली व्हेन देर इज अ पावर, एज सून एज स्विच ऑफ योर पावर, ऑल द डेटा विल बी रिमूव फ्रॉम द रैम। इन सारी बातों पे कोई ऑब्जेक्शन? नो सर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, गुड हो गया। बट प्रॉब्लम इज दैट एज इट इज वोलेटाइल, व्हेन एवर वी स्विच ऑफ अवर कंप्यूटर और वी क्लोज अवर प्रोग्राम, ऑल द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी लोकेशंस विल बी इरेज्ड, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, एक प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम के अंदर ये डेटा एंटर कर दिया, ग्रेड कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हमें इस डेटा को दोबारा चाहिए, ठीक है ना, हमें उसका आउटपुट देना है, इसको किसी, हमें कहीं यूज करना है। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम को क्लोज किया, ये सारा डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है ना। या हमने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, पावर ऑफ हो गई, तो सारा डेटा इसमें से रिमूव हो गया। अब डेटा इसमें से रिमूव हो गया,
तो फिर मुझे दोबारा चाहिए तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा डेटा को एंटर करना पड़ेगा, है ना। मुझे अगर दोबारा चाहिए तो दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा को इसके अंदर एंटर करना पड़ेगा। जब दोबारा मैं डेटा को इसके अंदर एंटर करूंगा तो ये तो एक अजीब सी बात होगी कि मुझे 10 दफा ये रिकॉर्ड चाहिए, 10 डिफरेंट टाइम में हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या होगा, हर दफा मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस डेटा को किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे रख दें। और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, हमारी हार्ड हार्ड ड्राइव। ड्राइव। तो ये जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, दिस डेटा इज स्टोर्ड इन हार्ड ड्राइव इन द फॉर्म ऑफ फाइल। ठीक है, एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल के अंदर ये सारा डेटा हम स्टोर करेंगे। अभी तो हमने रैम में मेमोरी लोकेशंस बनाई, वेरिएबल बनाया और उसके अंदर डेटा स्टोर किया। लेकिन अगर आपको परमानेंटली स्टोर करना है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक फाइल्स। ठीक है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे और इन फाइल्स के अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। अब हमें देखना है कि हाउ टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स और व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन फाइल। ठीक है बेटा, तो फाइल ऑपरेशन आपको देखने हैं। बेसिकली जब हम कोई भी फाइल बनाएंगे तो इस फाइल के ऊपर 3 टाइप के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि वी हैव 3 डिफरेंट फाइल मोड्स। अब ये फाइल मोड क्या क्या है हमारे पास, इनमें से एक फाइल ऑपरेशन है, फाइल मोड है, हम कहते हैं फॉर राइट। फॉर राइट का मतलब है बेटा, नोट इट डाउन, फॉर राइट का मतलब है टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड स्टोर डेटा इन इट। अच्छा, अगर आपने एक नई फाइल बना के उसमें डेटा एंटर कर दिया, अगर इस नाम से कोई पहले से फाइल बनी हुई होगी तो वो क्या कर देगा, पुराने सारे डेटा को इरेज करके दोबारा से नई फाइल बनाएगा, याद रखना है। ठीक ना, अगर इस फाइल के अंदर कोई एग्जिस्टिंग डेटा होगा तो वो सारा लॉस हो जाएगा। बट समटाइम वी वांट टू ऐड डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, तो अगर हमें डेटा को किसी एग्जिस्टिंग फाइल में ऐड करना है तो उसके लिए हम दूसरा फाइल ऑपरेशन यूज करते हैं, फॉर अपेंड। फॉर अपेंड का क्या मतलब हुआ, फॉर अपेंड के अंदर हम फाइल को क्रिएट करते हैं टू सॉरी फाइल एग्जिस्टिंग फाइल है इसके एंड में, टू ऐड डेटा एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस सर, अहमद। कितने यस फाइल सर, ऑपरेशन हो गए हमारे पास, सर दो। दो। और तीसरा ये है कि फाइल में कोई डेटा पड़ा हुआ है, आपसे क्या कह रहा है कि इस डेटा को रीड करो, तो इसको हम कहेंगे फॉर रीड टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल। अच्छा, सारी फाइल्स कहाँ बनेंगी भाई, ये सारी की सारी फाइल्स बनेंगी कहाँ पर, हार्ड सेकेंडरी ड्राइव। स्टोरेज में। हाँ, फ्लॉपी डिस्क ले लो, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर बनेगी। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हो कि टू स्टोर डेटा परमानेंटली तो वी विल यूज सेकेंडरी स्टोरेज एंड वी स्टोर डेटा इन सेकेंडरी स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ फाइल्स।
ठीक है, एंड इन फाइल वी हैव थ्री डिफरेंट ऑपरेशंस, वी कैन राइट डेटा इन फाइल, वी कैन ऐड डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, एंड वी कैन रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल. ठीक है, सो फाइल्स कैन बी ओपन फॉर राइट, कैन बी ओपन फॉर रीड, और कैन बी ओपन फॉर अपेंड. वी नीड टू डिफरेंशिएट फॉर राइट, फॉर रीड एंड फॉर अपेंड. फॉर राइट एंड फॉर अपेंड बोथ आर यूज टू एंटर डेटा व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. देखो एग्जाम में इट विल बी क्लियरली मेंशन दैट एड डेटा इन एग्जिस्टिंग फाइल और एड डेटा इन अ न्यू फाइल, ये बात क्लियरली मेंशन होगी. आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना होगा, जब आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली मिल जाएगा कि आपको डेटा फाइल के अंदर किस तरह आपको क्या करना है, स्टोर करना है. सही बात समझ में आ रही है? यस सर. कोई इश्यू, कोई मसला, कोई सर नंबर परेशानी? टू, सर नंबर टू वाला फिर से समझा दें, बिफोर अपेंड वाला. देखें भाई, आपने एक फाइल बनाई है AS2K23, ये एक आपकी फाइल बनी हुई. ठीक है, ये आपकी एक फाइल बनी हुई, इसमें आपने डेटा रखा हुआ है अहमद का और रेयान का. ठीक है नाउ, तो अब जा, ये अहमद और रेयान का डेटा रखा हुआ है, तो ये फाइल के अंदर अहमद लिखा होगा, रेयान लिखा होगा, इसके बाद एक मार्क लगा होगा जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ फाइल. इससे पता चलता है कि फाइल का डेटा यहाँ पर आकर खत्म हो गया. ठीक है, अगर आपके पास कोई नई फाइल आप बनाओगे, जब आपने इसको नई फाइल बनाया था AS2K23 की, तो इस नई फाइल के अंदर आपने कोई डेटा एंटर नहीं किया था. जब आपने कोई डेटा एंटर नहीं किया था, ठीक है, तो इस फाइल के अंदर सिर्फ एक चीज थी जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ फाइल मार्क. ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, ये क्या हुआ, न्यू फाइल बना ली, और क्या किया आपने, राइटिंग डेटा इज रिटर्न इन द फाइल. सही, अब आपने दो डेटा एंटर कर दिया और फाइल को आपने क्लोज कर दिया. अब आप फाइल को ओपन कर रहे हैं और अब आप ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर हाजी का रिकॉर्ड एंटर करें. ठीक है, तो अगर आपको हाजी का रिकॉर्ड एंटर करने के लिए, इफ यू वांट टू एंटर ओपन अनदर दिस फाइल, तो अब ये फाइल ओपन होगी इन अपेंड मोड. आप इस फाइल को ओपन करोगे फॉर अपेंड, और फिर उसके बाद आप इसके अंदर हाजी का डेटा एंटर करोगे After after closing the file, after closing and opening again, and opening again. To enter a new data in it. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस फाइल को ओपन करोगे. फाइल का नाम AS2K23 है, इसके अंदर आपने क्या किया, अभी अहमद का रिकॉर्ड डाला हुआ है, रेयान का डाला हुआ है, और फिर आपने इसके अंदर हादी का डेटा डाल दिया. जब हाजी का रिकॉर्ड डाल दिया तो ये क्या होगा, आप जरूर नहीं कि आप दो ही रिकॉर्ड डालें, और भी रिकॉर्ड डाल सकते हैं, तीन चार पांच जितने भी डालना. उसके बाद क्या आ जाएगा, एंड ऑफ फाइल मार्क हाजी के बाद आ जाएगा. तो ये जो आपने फाइल को ओपन करके इसमें नया रिकॉर्ड डाला है, इसको हम कहते हैं अपेंड. और ये दोनों क्या है, ये राइट मोड के अंदर है. राइट मोड में क्या होगा बेटा, फर्स्टली अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड एंड एंड ऑफ
फाइल मार्क विल बी देयर, देन डेटा विल बी एंटर्ड इन द फाइल, और फिर उसके बाद आप इसे क्लोज कर। अब समझ में आई बात? ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि इन फाइल वी हैव थ्री मोड्स, फॉर अपेंड, फॉर राइट एंड फॉर रीड। ठीक है। अच्छा, अब फाइल ऑपरेशन में जो हम कमांड्स यूज करेंगे, जो कीवर्ड्स यूज होंगे, एक कीवर्ड यूज होगा ओपन फाइल, कीवर्ड्स एंड सिंटैक्स। फिर क्या आएगा यहां पर? फाइल नेम आएगा, फिर आएगा फॉर, और फिर फाइल मोड आएगा। फाइल मोड कितने हैं बिट्टू हमारे पास? थ्री फॉर थ्री। नंबर क्या है? रीड, राइट राइट, अपेंड। अपेंड एनी ऑब्जेक्शन ऑन इट? नो सर। ठीक है। एक हमारे पास ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म करेंगे, वो है क्लोज फाइल। और यहां पर भी आप क्या लिखेंगे? फाइल नेम। ठीक है। एक, अच्छा, अब फाइल में डेटा को लिखना है तो हम लिखेंगे राइट फाइल, और यहां हम लिखेंगे फाइल नेम, फिर हम लिखेंगे डेटा आइटम, जो डेटा आइटम फाइल में लिखना है। और फाइल से डेटा को रीड करना है तो हम लिखेंगे रीड फाइल। फाइल नेम और जो भी डेटा है वो डेटा का वेरिएबल जो यहां पे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, यू मे ऑब्जर्व दैट इन ऑल दीज कीवर्ड्स फाइल इज पोस्ट फिक्स। यू मे ऑब्जर्व दैट और इन ऑल दीज कीवर्ड्स कमांड इज रिटर्न एट फर्स्ट एंड फाइल इज रिटर्न एट एंड। याद करना बहुत आसान हो गया। ओपन फाइल, क्लोज फाइल, रीड फाइल, राइट फाइल। इज इट क्लियर? यस अब हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। हमसे कहता है, क्वेश्चन में हमसे कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट। अच्छा, फाइल के अंदर एक और बात, ये जो डेटा आइटम्स हैं, दीज डेटा आइटम्स मस्ट बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। सारे डेटा आइटम स्ट्रिंग में होंगे, अगर आपको स्ट्रिंग में नहीं है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, राइट प्रोग्राम टू इनपुट नेम एंड रोल नंबर। ये सिर्फ नेम एंड स्टोर इन अ न्यू फाइल स्टूडेंट डेटा। सही बेटा। क्या करना है हमें? न्यू फाइल का वर्ड आया है, न्यू फाइल का मतलब ये हुआ कि कौन सा ऑपरेशन होगा, फॉर रीड, फॉर राइट, फॉर अपेंड। हाँ बेटा, न्यू फाइल, फॉर राइट। ठीक है। और फाइल में डेटा को लिखना है तो स्टोर डेटा इन फाइल वी यूज राइट फाइल। तो सबसे पहले क्या होगा? वी नीड टू डिसाइड द वेरिएबल्स एंड फाइल्स। अब हमारे पास एक वेरिएबल नेम का हो गया और एक फाइल ओपन करनी है हमें, स्टूडेंट डेटा। तो हम क्या लिखेंगे? ओपन फाइल
क्या नाम है भाई? स्टूडेंट डेटा फॉर राइट। फॉर राइट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया? डिक्लेयर नेम स्ट्रिंग। फिर हमने क्या किया? इनपुट नेम। अब इस नाम को फाइल में लिखना है तो हम क्या कमांड देंगे? हम लिखेंगे राइट फाइल, फाइल का नाम है स्टूडेंट डेटा नेम। अभी जो नाम है ये फाइल में जाके स्टोर हो गया, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे? क्लोज फाइल। नोट करें। नोट इट डाउन बेटा। यस सर। नोटेड। नो सर, अभी कर लूँ। डन सर। यस डन। सर। अच्छा, अब तो ये हुआ कि एक फाइल है, उसके अंदर हमने क्या किया? एक डेटा आइटम लिखा। अब हमसे कहते हैं भाई 5 स्टूडेंट हैं, उनके नाम इनपुट लेकर नई फाइल में लिखना है, या इनपुट नेम ऑफ 5 स्टूडेंट स्टोर इन एन एग्जिस्टिंग फाइल। दोनों बातें हो सकती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, कि क्वेश्चन हम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड स्टोर नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन एन एग्जिस्टिंग फाइल स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है बेटा। अब क्या हुआ है, यस ये कमांड हम चलाएंगे। यहां पर हमने क्या लिखा था? ओपन फाइल। यहां पर भी हम लिखेंगे ओपन फाइल, फाइल का नाम लिखेंगे, बट नाउ वी विल राइट डाउन फॉर क्या अपेंड होगा बेटू? नहीं, फॉर अपेंड राइट लिखेंगे तो पुराने वाला डेटा इरेज हो जाएगा। अच्छा था अपेंड लिखेंगे ना। हाँ, गुड। फॉर अपेंड, राइट। और फिर उसके यस बाद वही काम करेंगे हम। सपोज कि अगर हम वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है तो कर लेते हैं, डिक्लेयर नेम स्ट्रिंग, डिक्लेयर काउंट इंटीजर। काउंट चाहिए होगा ना, 5 स्टूडेंट्स हैं, है सर। ना। फिर उसके बाद हमने प्रोग्राम बनाया फॉर काउंट इक्वल्स 1 2 5 इनपुट नेम। अब जब हमने नाम इनपुट ले लिया, अब हम क्या करेंगे? राइट फाइल।
कहाँ लिखना है अभी हमें? स्टूडेंट स्टूडेंट डेटा, डेटा में क्या लिखना है हमें? नेम। फिर हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे, नेक्स्ट काउंट, ठीक है, और फिर हम फाइल को क्लोज कर देंगे। देखो भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? देखिए बेटा, आ रहा समझ? सर ये बात हो गई। अब हमारे कितने को हो गए भाई? हमने नई फाइल बना ली, हमने पहले से एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डेटा को ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है? फाइल में से जो डेटा है उसको आउटपुट देना है। अच्छा, फाइल के डेटा को आउटपुट देना है। अब हमें क्या करना है? फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ये आउटपुट देना है। अच्छा, अब फाइल के अंदर डेटा को आउटपुट देना है तो हमें नहीं मालूम कि हमारी इस वक्त फाइल में कितना डेटा आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है ना? जब हमें नहीं मालूम तो हम क्या करेंगे? जब तक फाइल में हम एक एक लाइन को पढ़ते रहेंगे, उसको आउटपुट देते रहेंगे। कब तक ये काम करेंगे? जब तक फाइल के अंदर कोई एंड ऑफ फाइल का मार्क नहीं आ जाता। हमने बात की थी कि जब फाइल होती है, इस फाइल के अंदर जब बिल्कुल ब्लैंक फाइल होती है तो सबसे पहले एंड ऑफ फाइल का मार्क होता है। फिर इसमें डेटा आइटम हम ऐड करते जाते हैं तो एंड ऑफ फाइल का मार्क एंड में आता रहता है, और ये एंड में आता है। और इसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं, 20 है, 30 है, 1000 है, जितने भी हैं उन सब के एंड में क्या आएगा? एंड ऑफ फाइल का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब या तो आप क्या करें कि आप जो है, अच्छा, जब हम फाइल को पढ़ना शुरू करेंगे तो इट विल ऑलवेज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है ना? ये फाइल सीरियल होती हैं। सीरियल फाइल्स वो फाइल होती हैं जो कि बिगनिंग से स्टार्ट होती हैं और सारा रिकॉर्ड जो है वो एड में एड होता रहता है विदाउट एनी सिक्वेंस। जैसे डेटा आता है वैसे ही हम स्टोर करते हैं, ठीक है? तो अब ये फाइल हमारे पास है। अब या तो हम ये करें कि भाई इस फाइल के अंदर 5 रिकॉर्ड्स हैं उनको आउटपुट देना है, या 10 रिकॉर्ड्स हैं उनको आउटपुट देना है, या 10 रिकॉर्ड्स हैं उनमें से 5 को आउटपुट देना है। या तो ये हो कि आपको वो बता दे, या आपको ये बोलता है कि फाइल का कंटेंट आउटपुट देना है। जब फाइल का कंटेंट आउटपुट देना है तो हमें नहीं मालूम कि फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं। तो अभी हम ये इसको लेकर चलते हैं कि सपोज किया कि हमें नहीं मालूम कि फाइल में कितने डेटा आइटम हैं, ठीक है? तो अब हम इस फाइल को हम क्या करते हैं, उस फॉर्मेट में देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल कंटेंट्स फ्रॉम अ फाइल स्टूडेंट डेटा। एक स्टूडेंट डेटा की फाइल है, इसमें से सारे कंटेंट को आउटपुट देना है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, ओपन फाइल करेंगे। इस फाइल का नाम है स्टूडेंट डेटा और इसको हम कर देंगे फॉर रीड, क्योंकि अब हम डेटा को पढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। अच्छा, अब वेरिएबल नहीं, वेरिएबल हम ले लेते हैं टेक्स्ट लाइन, लाइन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लाइन, कोई भी ऐसा वेरिएबल ले लेते हैं। हम कर देते हैं डिक्लेयर टेक्स्ट लाइन। अच्छा, ये जब हम पढ़ रहे होंगे तो पूरा पूरी 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 लाइन पढ़ेगा, एक लाइन पढ़ेगा एट अ टाइम स्ट्रिंग। और हमने पहले ही बात कर ली है कि फाइल में स्टोर किया हुआ सारा डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो हमने स्ट्रिंग कर दिया। अब हमें फाइल को पढ़ना है, हमें नहीं मालूम फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हम कहेंगे व्हाइल
नॉट एंड ऑफ फाइल स्टूडेंट डेटा। अब ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप पढ़ना शुरू करेगा लाइन नंबर वन से और जब तक उसको एंड ऑफ फाइल का मार्क नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये पढ़ता रहेगा। हमने कहा था कि एंड ऑफ फाइल का मार्क हमेशा फाइल के एंड में होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेटा, तो डेटा को पढ़ेंगे वही कमांड हमने जिस तरह यहाँ पे राइट फाइल में ली थी उसी टाइप की कमांड हम लेंगे रीड फाइल। रीड फाइल, विच फाइल, स्टूडेंट डेटा, कहाँ रखेंगे इसको, हम इस फाइल को डेटा को इनपुट इसमें रीड करके टेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। अब ये क्या हुआ, डेटा फाइल में से टेक्स्ट लाइन में एक लाइन कॉपी हो गई। अब इसको हम आउटपुट दे देंगे। हमने इसको क्या कर दिया, आउटपुट दे दी। और एंड वाइल सही। इसके बाद हम फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एक नई फाइल बनानी है, इस नई फाइल में स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है। और मेरे पास सपोज किया 20 स्टूडेंट्स हैं। हमने ये बात की थी कि फाइल के अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा वो टेक्स्ट की सूरत में होगा, स्ट्रिंग की सूरत में होगा। तो अगर हम लेते हैं नंबर, तो पहले नंबर को नम टू स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। हमने ये फंक्शन पढ़ा था, ये हमारे इंसर्ट में भी है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि इनपुट राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर, नेम, एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट ग्रेड एंड स्टोर दिस डेटा इन अ न्यू फाइल एएस रिजल्ट्स। स्टोर डेटा ऑफ वन स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इन वन लाइन, और स्टोर डेटा ऑफ अ स्टूडेंट इन अ लाइन, ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अब हमने फाइल का नाम क्या बताया, इसने सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई अहमद, ओपन फाइल, ओपन फाइल एएस रिजल्ट, एएस रिजल्ट्स डबल कोटेशन मार्क फॉर राइट। एक्सीलेंट। अब आपको क्या करना है, डिसाइड करना है वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से हैं भाई, रोल नंबर, नेम, नेम, मार्क्स, ग्रेड, ठीक है। तो इसमें से मार्क्स जो हैं वो इंटीजर होंगे, ठीक है ना। तो डिक्लेयर
रोल नंबर, नेम, ग्रेड, और इन सबको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करके एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। इस वेरिएबल को मैं कह देता हूं टेक्स्ट लाइन, और फिर इसको हम क्या करेंगे, फाइल में लिखेंगे, क्योंकि हम हमें तीन चार चीजें लिखनी है, स्ट्रिंग। और फिर हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर, सपोज किया देर आर 30 स्टूडेंट्स इन क्लास, आपको क्या करना होगा, अभी डिक्लेयर काउंट कॉमा मार्क्स इंटीजर, है ना। फिर आप क्या करोगे, फॉर काउंट इक्वल्स 1 to 30, आपने इनपुट ले लिया नेम, रोल नंबर, मार्क्स, फिर आपने कहा कि ग्रेड, सॉरी केस ऑफ मार्क्स, ठीक है ना। आपने कह दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ग्रेड हो गया डिस्टिंक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ग्रेड हो गया मेरिट, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो ग्रेड हो गया पास, अदरवाइज ग्रेड हो गया फेल एंड केस। ठीक है भाई, अब हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, फाइल में लिखनी है। तो उसको फाइल में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में स्टोर करेंगे। हम लिखेंगे टेक्स्ट लाइन इक्वस टू रोल नंबर, ज्वाइन करने के लिए एम्परसेंड यूज करते हैं, नेम, ज्वाइन करने के लिए एम्परसेंड यूज करते हैं, मार्क्स, और मार्क्स क्या है हमारे पास, मार्क्स है हमारे इंटीजर, रियल इंटीजर, तो उसको पहले हम लिखेंगे नम टू स्ट्रिंग करके हम लिख देंगे मार्क्स। तो अब ये क्या कर देगा, मार्क्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में, एम्परसेंड रिजल्ट, ठीक है। और फिर हम इसको लिख देंगे राइट फाइल, एएस रिजल्ट्स, क्या है भी, टेक्स्ट लाइन, और फिर नेक्स्ट काउंट। और फिर क्लोज फाइल, एएस रिजल्ट्स। रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज इज फाइल इज एम्प्टी। अगर फाइल एम्प्टी होगी तो इसकी पहली लाइन में क्या लिखा हुआ होगा, एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल, तो अगर पहली लाइन में एंड ऑफ फाइल मिल गया, अच्छा पढ़ना कहां से शुरू करेगा, ये पहली लाइन से, पहली लाइन में अगर उसको एंड ऑफ फाइल मिल गया तो वो क्या करेगा, एरर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है,
रीड एंड आउटपुट डेटा फ्रॉम अ फाइल एएस रिजल्ट्स। ठीक है, डिस्प्ले एरर मैसेज इफ फाइल इज एम्प्टी। सही, क्या करेंगे बेटा, करवाएं प्रोग्राम? ओपन फाइल ओपन फाइल, एएस रिजल्ट एएस रिजल्ट्स फॉर रीड। फॉर रीड, फिर डिक्लेयर डिक्लेयर टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। एक्सीलेंट। देन व्हाइल अब आपको नॉट देखना है कि फाइल का नहीं, अब आपको देखना है कि फाइल एम्प्टी तो नहीं है, तो हम क्या नो लिखेंगे? सर इफ नॉट, इफ एंड ऑफ फाइल, सॉरी एंड ऑफ फाइल एएस रिजल्ट्स। ठीक है ना, अगर एंड ऑफ फाइल है ये, इस वक्त आप रीड करना शुरू किया, पहली लाइन में एंड ऑफ फाइल है, तो क्या करेंगे आप? देन आउटपुट डिस्प्ले एरर एरर, फाइल इज एम्प्टी। एम्प्टी, एल्स। अब आप स्टार्ट करोगे व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल यस ए रिजल्ट। एस रिजल्ट। ठीक है, और वही सारा काम होगा, रीड फाइल रीड फाइल ए एस रिजल्ट्स, टेक्स्ट लाइन, आउटपुट टेक्स्ट लाइन, एंड ऑफ एंड वाइल। सही सही बेटा, और फिर क्या यस करेंगे, सर, यस फिर क्या सर। करेंगे? एंड इफ क्लोज क्लोज फाइल। फाइल ए एस रिजल्ट्स। अब सपोज किया आपकी फाइल में आपने क्या किया हुआ है कि फॉर्मेट ये है कि आपने 3 लेटर्स का आपका रोल नंबर है, 101 स्ट्रिंग है, और रोल नंबर 3 लेटर्स का है, और वेरिएबल लेंथ है नेम की, अली हो गया 101, उमर हो गया 101, अहमद सिद्दीकी हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है कि रोल नंबर तो सबका 3 डिजिट, 3 लेटर्स का है, 3 कैरेक्टर्स का है, और नेम की वेरिएबल लेंथ है। अब आपको क्या करना है कि इस फाइल में से
ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें से सिर्फ आपको आउटपुट देना है रोल नंबर। ठीक है, फाइल को पढ़ना है एक एक करके, पूरी फाइल को पढ़ना है और इसका आउटपुट देना है रोल नंबर। अब अगर ये सिचुएशन हो तो इसके अंदर हमें मालूम है कि रोल नंबर कितने करेक्टर का है, भी 3 करेक्टर का है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेफ्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, या अगर हमें नाम आउटपुट देना है या रोल नंबर और नाम को अलग अलग आउटपुट देना है, तो हम रोल नंबर को उठाकर 3 कैरेक्टर का हम उठाकर कहाँ पे रख सकते हैं, रोल नंबर में, और बाकी जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं इन कैरेक्टर्स को हम कहाँ पे रख सकते हैं, नेम में। ठीक है, अब रिमेनिंग कैरेक्टर किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, कि हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 इस लोकेशन से और एंड ऑफ फाइल तक, एंड ऑफ लाइन तक चले जाएंगे। इन सब को उठा के पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लाइन में स्टोर करेंगे। ठीक है बेटा, ये सिनेरियो है। अब मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, अ टेक्स्ट फाइल स्टूडेंट डेटा कंटेन्स 3 कैरेक्टर, रोल नंबर एंड वेरिएबल लेंथ नेम इन ईच लाइन। ठीक है, रीड द डेटा फ्रॉम फाइल फाइल एंड आउटपुट रोल नंबर एंड नेम सेपरेटली। सेव डन। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम ओपन फाइल स्टूडेंट डेटा फॉर रीड कर रहे हैं, है ना। अब हमें वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए टेक्स्ट लाइन, एक रोल नंबर और एक नेम, तो हम डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर टेक्स्ट लाइन रोल नंबर नेम ऑफ स्ट्रिंग। सही, फिर हम क्या करेंगे अभी, वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, स्टूडेंट डेटा, इस पे से फाइल टेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम, तो हम लिखेंगे रीड फाइल स्टूडेंट डेटा टेक्स्ट लाइन, और इसमें नेम आपको क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, रोल नंबर इक्वल्स टू इक्वल्स टू लेफ्ट, किसका लेफ्ट, टेक्स्ट लाइन का कितने कैरेक्टर, 3। नेम चाहिए तो नेम के लिए आप क्या करोगे, राइट मिड, नहीं राइट कर सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम कि राइट के कितने कैरेक्टर हैं, हम लेंगे मिड, किसका, टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट का, लाइन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लोकेशन 4 से, और कहाँ तक जाएंगे हम, लेंथ ऑफ टेक्स्ट लाइन तक जाएंगे। ठीक है ना, अगर लेंथ ऑफ टेक्स्ट लाइन जो 10 है तो वो 4 से 10 तक जाएगा, 7 है तो 4 से 7 तक जाएगा, और फिर आप इसको आउटपुट दे दोगे रोल नंबर
कॉमा नेम एंड वाइल और क्लोज फाइल। स्टूडेंट डेटा